आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आप आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में सांची दूध के दाम जो है 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा दिए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो आधा किलो की थैली है आधा किलो दूध के दाम है वो बढ़ाए गए हैं। वहीं 1 किलो के दूध पर जो है 3 रुपए का सीधा सीधा इजाफा कर दिया गया है सांची दूध संघ द्वारा। मैं बता दूं आपको कि लगातार इस तरह की जो बढ़ोतरी हो रही है महंगाई के चलते लोगों पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। और वहीं जनता क्या सोचती है और जो डेयरी संचालक हैं उनसे बात करेंगे वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस दाम बढ़ोतरी को मानते हैं, क्या इससे लोगों की बिक्री पर जो बिक्री जो हो रही है डेयरी संचालक उस पर फर्क पड़ पाएगा। जी आप थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि डेयरी जैसे आप चलाते हैं सांची की तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी बिक्री पर और कितनी महंगाई अब हो पाएगी? अब जिस हिसाब से रेट बढ़ाए जा रहे हैं उस हिसाब से तो कस्टमर के जेब पे भी असर पड़ रहा है। अब 2 रुपये आपने आधे किलो पे बढ़ा दिए और 3 रुपये मेरे ख्याल से 1 किलो पे आपने बढ़ा दिए। अब पहले ही इतनी महंगाई हो रही है ऊपर से साला जे इतना पैसा बढ़ेगा तो क्या गरीब पिएगा और क्या करेगा भाई साहब आप बताओ। बिल्कुल, तो डेयरी संचालकों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इससे परेशान रहेंगे, वहीं बिक्री पर तो असर पड़ने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डीजल पेट्रोल और तेल दाल इसके बाद में लगातार जो है इसके बाद दूध के जो दाम बढ़ाए गए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर परेशानी का सबब बना हुआ है। और मैं बता दूं एक यहाँ पर चाय का होटल भी है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं कि 3 रुपए 1 किलो पर सांची दूध के दाम जो बढ़े हुए हैं और अब आप इधर आ जाइए और अब जो है दो रुपए के हिसाब से सांची के आधे किलो की थैली पर बढ़े, तो क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे, क्योंकि आपके व्यापार पर असर पड़ेगा, चाय की कीमतें आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सर देखो इस प्रकार महंगाई होती जा रही है तो हम कहाँ से लाएंगे सामान, हमें महंगाई के मांगा से रेट बढ़ाना पड़ेगी आगे चल के भी, क्योंकि हमें अगर पड़ता नहीं खाएगा हम क्या करेंगे, हमारी ना चाहते हुए बढ़ाना पड़ेगी क्योंकि महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ महंगाई होती जा रही है, दूध पे नहीं गैस पे ही महंगाई होती जा रही है, दूध पे महंगाई होती जा रही है और सामान है जो भी छोटे मोटे इसमें लगते हैं सब पे महंगाई होती जा रही है, सब उसको देखते हुए रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगी। बिल्कुल, तो चाय जो चाय दुकान के मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं तेल और तमाम सारे जो ईंधन है चाय की पत्ती हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, लेकिन अभी फिलहाल जो दूध के दाम बढ़े हैं उसके चलते उनको चाय के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। सांची दूध के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और लगभग 4 रुपए प्रति लीटर की ये बढ़ोतरी की गई है। चूंकि आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है और ऐसे में कहीं ना कहीं 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान करेगी। जबलपुर के ऐसे ही एक सांची पार्लर में हम हैं और देख सकते हैं कि जो दूध है वो कहीं ना कहीं खपत जो है वो उसकी बढ़ी है और यही वजह है कि कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो है खपत बढ़ी है उसके बाद 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। हमारे साथ सांची कॉर्नर के संचालक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरीके की बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए बढ़े हैं? पैकेट पहले आधा लीटर का ये पैकेट था जो 27 रुपए का आता था, अब इस पर हमने 2 रुपए बढ़ा दिया है जो 29 रुपए की MRP भी आ रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा ग्राहक भी लग रहा है उनको कि महंगाई हो गई है, महंगा कर दिया गया है दूध, तो उनको भी दिक्कतें हो रही है और भी हम लोगों को भी बेचने में ऐसे में थोड़ी समस्या होगी कि रेट पढ़ना नहीं चाहिए अभी एकदम से इतने। 1 लीटर के दाम की अगर बात की जाए तो वो कितने हो गए? वो अलग अलग रेट के हैं, जैसे 56 रुपये लीटर है, पहले जो 54 था उसको 56 कर दिया गया है, ऐसे करके 2-2, 3-3, 4-4 रुपये हर लीटर में हर प्रकार के दूधों में बढ़ा दिया गया है। कुछ फर्क पड़ा है अभी बिक्री में कि लोग को शिकायत कर रहे हैं? शिकायत तो कर रहे हैं, ले रहे हैं अभी, क्योंकि आज ही से बढ़ा है तो लोग ले तो गए, लेकिन बोला भी लोगों ने कि यार महंगा कर दिए हैं, अभी नहीं करना चाहिए महंगा। बिल्कुल, कुछ ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए एक सडन राइज हुआ है मिल्क प्राइजेस में, जिसमें कह लीजिए 4 रुपए के हिसाब से अपन देखें तो लगभग 10% की वृद्धि हमको महसूस हो रही है। और अभी कोरोना काल से हम सब गुजरे हैं, आमदनी हमारी बहुत अफेक्टेड है और इस दौर में दूध जैसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और अगर कोऑपरेटिव जो सरकारी फंड से चलती है और वो अगर 4 रुपए एक बार में बढ़ाती है तो शहर में मुझे लगता है कि प्राइवेट दूध वालों को एक बहाना मिल जाता है और गर्मी का बहाना है और
फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों में लोग डाल देते हैं कि वो यहाँ 4 रुपये बढ़ा है तो वो प्राइवेट में 8 रुपये भी बढ़ सकता है, 6 रुपये भी बढ़ सकता है, 5 रुपये भी बढ़ सकता है, तो ये बजट में काफ़ी फ़र्क डालेगा हमारे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बजट में जो है खासा असर ये डालेगा। और जो कि जिस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दाम बढ़ाए, उसके बाद अब कहीं ना कहीं शहर में जो दूध विक्रेता हैं उनके दाम भी बढ़ेंगे, तो आम आदमी कहीं ना कहीं महंगाई से वैसे ही परेशान है। कोरोना काल में लोग महंगाई से जूझते रहे, और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका जो है वो लोगों को लगेगा। 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि सांची दूध में की गई। 69 केंद्रों पर जिले भर में समर्थन मूल्य पर चना मसूर सरसों की खरीदी की जाएगी। आज से जो समर्थन मूल्य के जो केंद्र बनाए गए 69 केंद्र, वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि पहले दिन किसान पहुंचे नहीं हैं, फिर भी केंद्रों पर व्यवस्थाएं चालू कर दी गई हैं, और जो MSP सरकार ने दरें लागू की हैं उस पर उन खरीदी का कार्य किया जाएगा। सर, किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं आज से शुरू हो गई चना मसूर? समर्थन मूल्य पर शासन ने जो खरीदी चालू की है वो आज से चालू हो गई है जी। और किसानों के लाने कलेक्टर महोदय ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। वो पूरे जिले में 69 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ किसान अपने माल, दर है दर है मसूर का समर्थन मूल्य 5,000, वो चने का है 5,000 और मसूर का 5,500 जी। 31 तारीख तक होगी, आज से चालू हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा कमल बाबू शर्मा। कौन से गाँव? सती। क्या लाए थे? नफीस ही लाया हूँ। आज से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई क्या? आज से हो गई ना चालू आज से, मगर बाद में जानकारी मिली थी अभी तो मंडी लेके आया था जी। और मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे? मंडी में भाव मिलेगा ठीक है, नहीं फिर समर्थन मूल्य पर खुलवा देंगे। सरकार का अच्छा निर्णय है? हाँ, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। लागत मूल्य मिलेगा। क्या लाए, किस गाँव से हैं? हम खजूरी गांव से हैं, देलवाड़ा पंचायत। मेरा कन्हैया लाल, आदिवासी। आज से समर्थन मूल्य पर चना सरसों मसूर की खरीदी शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छे दाम मिलेंगे? अच्छे दाम, बहुत अच्छी बात है। जाते एक मजबूरी में आना पड़ता है जी जी। और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए केंद्रों पर यहाँ पर किसान पहुँचे तो उन्हें उनके लिए पानी वगैरह जो भी है, कि दो दो तीन तीन दिन पड़े रहते हैं तो इनकी जल्दी व्यवस्थाएं जल्दी रहे। हालांकि कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने इन केंद्रों पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसान परेशान ना हो। आज से यह खरीदी शुरू हो गई, पहले दिन केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे हैं समर्थन मूल्य पर, और इस बार अच्छा समर्थन मूल्य सरकार ने रखा ताकि किसानों को लागत मूल्य मिल सके। यहाँ पर हमारे जो किसान मौजूद थे उन्होंने खुशी जताई है और कहा कि किसानों के लिए केंद्रों पर जो दो तीन तीन दिन लग जाते तुलाई में, वहाँ पर किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में तमाम सारे कदम उठाए गए थे। इसमें एक कदम ये भी था कि किसान अपनी फसल को खुले बाजार में किसी भी कीमत पर बेच सकता है, जो उसकी मर्जी होगी। कहीं ना कहीं सोसाइटियों का जो अभी फसल सोसाइटियों में जा रही है वो अभी 5100 यानी सरसों की फसल 5100 का रेट है। वहीं मंडी, यदि खुली मंडी की बात कर ले तो यहाँ पर 6500 का रेट है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फ़ायदा किसान को यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कुछ किसान हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे किस तरीके से उनको लाभ मिल रहा है, किस तरीके से सोसाइटी में बेचने से और यहाँ पर बेचने से कितना अंतर है। जी, थोड़ा सा आप मुझे बताएँ कि कितना अंतर आ रहा है सोसाइटी और मंडी में सामान आपकी फसल बेचने से? बहुत अंतर है। या तुरंत पेमेंट है, सोसाइटी पे तुरंत पेमेंट नहीं है, रेट में अंतर है। अब कितना अंतर आ रहा है? कितना अंतर का? या तो कहो 7,000 चली जाए, 8,000 चली जाए, आया 5,500 से 6,500 तक रेट है आई। तो वहाँ तो फाइनल रेट है, वहाँ नहीं बढ़ती ना, वहाँ घटेगी। वहाँ पर कितनी रेट है और यहाँ कितना? 5,200 है और यहाँ 6,500 है। तो वहाँ पर जो है 5,200 है और यहाँ पर जो है 6,500 रेट है। दादा एक मिनट आप आएँ, जरा मुझे बताएं किस तरीके से यहाँ पर आप लेके आए हैं यहाँ पर सरसों, और यहाँ कितना रेट है और कितना फ़ायदा हो रहा है? 6,500 बेची है और वैसे सोसाइटी रेट है 52 की। प्रत्येक फायदा मानो तो 1,200 रुपये की फ़ायदा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि खुले बाजारों में किसान अपनी फसल बेच सकता है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जो मोदी जी हैं वो आपकी जो किसान की आत्मनिर्भरता है उसकी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। कौन सी दिशा में? आत्मनिर्भर आप बन रहे हैं, आत्मनिर्भर निर्भरता की दिशा में। जैसे कि उन्होंने कहा था कि किसान अपनी फसल जो है कहीं भी बेच सकता है, अपनी मर्जी से बेच सकता है। अपनी मर्जी से ही बेच, इससे आपको फायदा हुआ है?
वहाँ फायदा हुआ। तो और भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं इसमें आप जी। तो आप बताएं किस तरीके देखते हैं खुले बाजार में फसल बेचने को, कितना लाभ हो रहा है? बहुत लाभ हो रहा है सर। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो देख रहा है कि काफ़ी लाभ है, काफ़ी इसके चलते जो है आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि किसान खुली मंडियों में अपनी फसल नीलामी के जरिए बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा फायदा किसान को हो रहा है। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर नैला नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 में जहां नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल जी पहुंचे हैं, जिनसे जानना चाहेंगे कि आज से राज्य शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का पूरी तरह से खोलने का निर्देश दे दिया गया है, जिस पर उनकी क्या राय है और किस तरीके से बताएंगे भैया आज से आंगनबाड़ी केंद्र को पूरी तरह से खोलने का। आज वार्ड क्रमांक 23 के वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र में आज पोषण माह की शुरुआत सेक्रेटरी से किया जा रहा है और ये 21 मार्च से 4 अप्रैल तक 15 दिन का पोषण पखवाड़ा का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हर तरह गतिविधियां होंगी होगा, जिसमें लोगों को सीखने को मिलेगा, बच्चे को सीखने को मिलेगा। और आज से 9:30 बजे से 3:30 बजे तक राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है आंगनबाड़ी खोलने का, जिसमें गर्म खाना भी मिलेगा और बच्चों को शिक्षा भी मिलेगा। इस आज के पावन बेला में 2 साल बाद हमारे कोविड के बाद 2 साल के पूर्व अभी जो आंगनबाड़ी का जो शुरुआत हो रहा है उसमें बच्चों में भी उल्लास प्रसन्नता दिख रही है और मैडम लोगों में भी, दीदी लोगों में भी एक प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि आज से इन लोग का शुरुआत हो रहा है। और हमने आज हरी झंडी दिखाकर वार्ड क्रमांक 23 के हमारे जो मैडम जी है उन लोग के साथ इन लोग साइकिल रैली का शुरुआत किए हैं। एक लंबे अरसे से इंतजार था सरवटे बस स्टैंड के लोकार्पण का, इसकी तैयारियां लगातार की जा रही थी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सरवटे बस स्टैंड का लोकार्पण किया। निश्चित रूप से इंदौर वासियों के लिए हर्ष का विषय है क्योंकि इंदौर के हजारों यात्रियों को यहां से आने जाने की सुविधा मिल पाएगी। ये एक मॉडर्न बस स्टैंड बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि 2 मंजिलों में बनाया गया है। सामने टिकट काउंटर्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बेहतर किए गए हैं, पार्किंग की सुविधा यहां दी गई है। 18.4 करोड़ रुपए की लागत से यह बस स्टैंड बनाया गया है और इस बस स्टैंड के बन जाने से जाहिर सी बात है जहां यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी वहीं रोजाना 500 से ज्यादा बसेस का संचालन अब इंदौर शहर के मध्य से ही होता नजर आएगा। धीरे धीरे अब गर्मी जो है बढ़ने लगी है, मार्च का महीना आ चुका है। अब इस वक्त जो है मैं कांकेर के बस स्टैंड में खड़ा हूँ और परेशानियों और तापमान की बात करूँ तो आपको यहाँ एक वाटर फिल्टर मशीन लगा हुआ है, वर्षों से लगा है लेकिन वो जो मशीन है बहुत लंबे अरसों से खराब है। यहाँ किसी एक पानी की सुविधा के लिए एक मशीन बनाया गया था, बिल्कुल मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ये जो देख पीने के लिए पानी, लोगों की जनता के लिए पानी बनाया गया था लेकिन ये पानी जो है बिल्कुल यहाँ पानी ही नहीं निकल पा रहा है। काफ़ी लोगों जो यहाँ के यात्री जो है काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ता है, हजारों की संख्या में जो यात्री जो है यहाँ आना जाना करते हैं। हम कुछ यात्री या कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि भैया आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत है भाई, भैया बताएंगे यहाँ पानी की कैसी समस्या है? पानी की इतनी समस्या भाई, हमको पानी बॉटल यहाँ लेके पीना पड़ रहा है, हमको ही नहीं, यहाँ यात्री आते उनको भी पीना पड़ रहा है। यहाँ के अध्यक्ष देख रहे हैं, महोदय हमारे सोरी जी देख रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, फिर भी पानी का व्यवस्था सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। कितने लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, कितने यात्री? यहाँ तो रोज का हजारों का आना जाना है और कई यात्री यहाँ रात भर रुकते भी हैं, पानी के लिए तरसते हैं और वो होटल में जाते हैं, वहाँ खरीद के पीना पड़ता है उनको 20 रुपये बॉटल, वो भी इतनी बड़ी गर्मी में। और क्या क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी आप देख रहे हो, कचरा है यहाँ पे, नाली में पूरा कचरा जमा हुआ है, रोड साफ नहीं होता, यहाँ का बस स्टैंड भी कभी कभार साफ हुआ जाता है, गाय वाय रहता है यहाँ पे और बाकी इसको तो आप देख ही रहे हो कब जमाने से बंद है। कुछ पंखा लगाए गए हैं यहाँ सुविधाएं के लिए, पंखा के क्या स्थिति है? पंखे आप देख लो ना, पंखे यहाँ तो गायब है पूरा, पंखे कोई चल भी नहीं रहे हैं, बस ये सो पीस यहाँ लगा के रखे हैं जो। अब पानी फॉल के लिए एक तो वाटर लगाया था वहाँ पे साइड में, आप देख सकते हो भी खराब पड़ा हुआ है। शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं करवाए? शासन प्रशासन से यही, वो तो हमेशा देख रहे जनता कैसे परेशान है, उनको पता है गर्मी का समय है, पानी सबसे पहले उपलब्ध होना चाहिए, उसी के बस उपलब्धि करवा दे तो हमको लेके खरीदना नहीं पड़ेगा। और भी प्यासे लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, किसी पास पैसा नहीं रहता तो कैसे करेगा?
अपन चाहते हैं कि यहाँ पे वाटरफॉल लगे पानी के लिए, और सब यहाँ पे जो बस स्टैंड में जो बेच रहे हैं यहाँ पे, उससे अच्छा हंडी लगा दे रोड के किनारे जाके, आने जाने वाले यात्रियों को पानी की किल्लत ना हो। तो बिल्कुल देख सकते हैं गर्मी बढ़ चुकी है, लोगों को जो है 20 रुपए का बॉटल जो है मिनरल बॉटल पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। उस सुविधाएं के लिए कुछ पंखा लगाए गए थे, उस पंखाओं को भी गर्मी के लिए कुछ पंखाएं लगाए गए थे, वो पंखे भी यहाँ खराब नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं वो ये पंखा देख रहे होंगे, ये यहाँ की यात्रियों की सुविधाएं के लिए यहाँ लगाया गया था, लेकिन पंखा भी यहाँ खराब हो गया है। और मिनरल वाटर की बात करूँ तो जो हजारों लागत से जो मिनरल वाटर लगाया गया था वो भी वाटर खराब हो चुका है। देखने वाली बात है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन नगर पालिका इसको संज्ञान में लेगी। हम अभी खड़े हैं महासमुंद के हृदय स्थल कचहरी चौक पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अभी तकरीबन 11:15 बज रहे हैं, और जो गर्मी की अगर बात किया जाए, टेम्परेचर की अगर बात किया जाए, तो टेम्परेचर तकरीबन 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये मार्च के महीने में ये स्थिति है। ये आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में जो गर्मी का भीषण समय होता है, अप्रैल और मई का जो महीना होता है, उस महीने में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और आप एक नजर आप देखेंगे चारों तरफ, आप देखिए ज्यादातर लोग अपने सिर को मुंह को पूरे ढके हुए हैं, और अभी क्योंकि त्योहार का सीजन था, त्योहार के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद आज ये मार्केट खुले हैं और शासकीय कार्यालय वगैरह खुले हैं, लेकिन जो रौनक यहाँ पे दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है ये गर्मी का असर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गर्मी को लेकर ये क्या कह रहे हैं, और अभी जो स्थिति गर्मी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। भाई अभी तो गर्मी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, जो अप्रैल और मई महीने में होता है वो अभी मार्च में दिख रहा है 34 से 35 डिग्री, तो अनुमानित यह सोचते हैं कि आने वाले समय में ये 44 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, तो इसमें लोगों को सावधानी बरतना चाहिए, अपने शरीर में पानी का लेवल बना के चलना चाहिए, चेहरे को मास्क मतलब कपड़ों से ढक के चलना चाहिए, मतलब बहुत सारी सावधानी बरतना पड़ेगा, तब जाके अपन आगे इसमें सही रह पाएंगे, ये तो फिर बीमारी की समस्याएं और समस्याएं बहुत सारी बढ़ती जाएगी इसमें। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, गर्मी को लेकर आप क्या कहना चाहें। गर्मी तो अन्य सालों के अपेक्षाकृत देखा जाए तो इसी साल ज्यादा ही लग रहा है। मार्च महीने में इतना टेम्परेचर नहीं होता था, जो मार्च अप्रैल में समझ पड़ता था, सॉरी अप्रैल मई में समझ पड़ता था, वो भी लग रहा है। देखे ना अभी 11 बजे पूरा सुनसान है ये इलाका, वरना चहल पहल वाला जगह ये कचहरी चौक, पानी वाली के लेवल को शरीर में मेंटेन रख कर चलना पड़ेगा, आने तो भीषण गर्मी पड़ने का आशंका लग रहा है मुझको। अभी जो ये मार्केट में रौनक नहीं दिख रही, इसके पीछे क्या कारण मान? तेज धूप है भाई साहब, तेज धूप है। अभी मैं निकला, मैं टोपी बिना मैं निकला, निकल से चश्मा खोज के निकाला, कपड़ा गाड़ी में कपड़ा बांधूंगा तब मैं चल पाऊंगा। ऐसा लगता है एक आध हफ्ता ऐसा ही टेम्परेचर रहा तो मुझको लगता नहीं कि लू चलना भी चालू हो जाएगा एक आध हफ्ता बाद। मैं एक दुकानदार से भी बात करते हैं, आखिर इस गर्मी को लेकर क्या स्थिति है दुकानदारी में? अभी दुकानदारी गर्मी के नाम से बहुत ही कम चल रहा है, दुकानदारी का काम अभी थोड़ा सा ठंडा चल रहा है, तो दुकानदारी ठंडा है, लेकिन बाहर का मौसम एकदम गर्मी है, भयंकर गर्मी तेज चल रही है। अभी मार्च महीना है उसमें ये हाल है, अभी तो हमको अप्रैल मई जून भी झेलना है, ये साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, और लोगों को भी क्या है गर्मी के वजह से सुबेरे सुबेरे जल्दी अपने जरूरी काम निपटा के सब घर में अपना आराम करते हैं। जैसा आपने देखा कि गर्मी कहीं ना कहीं सभी वर्ग के सभी तबके के लोगों को परेशान कर रही है, और जो मौसम विभाग का जो अनुमान बताया जा रहा है वो अनुमान ये बताया जा रहा है कि जो अप्रैल और मई में जो लू चलते थे वो मार्च में ही इस साल देखने को मिल सकते हैं, और जिसका कुछ असर अभी भी महासमुंद जिले में देखने को मिल रहा है। इतना भव्य टेंट किसी राष्ट्रीय नेता की रैली का नहीं, बल्कि धार्मिक कार्यक्रम शिव महापुराण का आयोजन आगामी 3 अप्रैल से रायसेन के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा यहां पर शिव महापुराण का वाचन किया जाएगा, जिसको सुनने के लिए करीब यहाँ पर प्रशासन द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 लाख व्यक्ति इस आयोजन को शिव महापुराण को सुनने आएंगे। वहीं आपको बता दें कि लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में अभी टेंट लगाया जा रहा है, इसके बाद भी अगर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो जैसे जैसे अगर जनता बढ़ेगी वैसे वैसे टेंट को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अगर आने वाली जो जनता है उसको परेशानी ना हो, इसके लिए रायसेन से भोपाल से तरफ से आने वाले लोगों के लिए दरगाह के पास पार्किंग बनाई गई है,
वहीं विदिशा से आने वाले लोगों के लिए गोपालपुर पर पार्किंग बनाई गई है, और अगर सागर तरफ से जो वाहन आएंगे उनके लिए पटना पे ही पहले रोक के पार्किंग बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। वहीं इस आयोजन के जो मेरे अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, डॉक्टर एसी अग्रवाल साहब से। सर, इतना बड़ा आयोजन रायसेन के इतिहास में पहली बार हो रहा है, शिव महापुराण का पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, कैसे मैनेज करेंगे इतना बड़ा? अब वो क्या है कि जब मिश्रा जी से इस आयोजन की अनुमति ली थी वो 2 साल पुरानी बात है, और उस समय तो ये अनुमान नहीं था कि ये आयोजन इतना बड़ा होगा, किंतु अभी पिछले कुछ आयोजनों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये आयोजन जो है वो उम्मीद से ज़्यादा बड़ा होगा। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 से 3 लाख जो है वो पब्लिक यहाँ पर आ सकती है, अब इसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि अभी कितनी आएगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो इतना बड़ा कार्यक्रम रायसेन में पहली बार हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको अपन सबसे पहले तो लोगों के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, कि उनको छाया मिल जाए और बैठने की जगह मिल जाए, तो ये टेंट जो है अभी 1 लाख फिट में, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे हैं कि 1 लाख फिट का टेंट अभी लगा है और इसको अभी और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो जितनी आवश्यकता लगती जाएगी ये टेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, किसी भी प्रकार की लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहीं पे जो टेंट जो दूर से लोग बैठ के देखेंगे तो उनके लिए LED वगैरह भी लगेंगी। तो आप देख सकते हैं जो बाहर से लोग आएंगे, जो दूर से लोग देखेंगे उनके लिए LED की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन रायसेन के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।